गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज अ सोलेनॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉलेज अबाउट सोलेनॉइड. आफ्टर देन वी विल डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड. तो व्हाट इज सोलेनॉइड? अ लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल. क्या वर्ड यूज किया मैंने? लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल, सोलेनॉइड. इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड. इट्स ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक. कौन सा टॉपिक है ये? इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज सोलेनॉइड? अलोंग टाइटली वाउंड, अलोंग थोड़ा सा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है सिर्फ इसका. मीन्स थ्योरेटिकल हम स्टडी करेंगे, मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे. अदरवाइज इट द टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड. अ लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटिंग मेटालिक वायर. हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटिंग मेटालिक वायर कॉल्ड सोलेनॉइड. क्या बोला हमने इसको? सोलेनॉइड. हम किस तरीके से और डायग्राम इसको कैसे समझे? देखिए मैं सिंपल से बताता हूँ. आप एक वायर लीजिएगा घर पे और वायर को इस पैन के ऊपर ऐसे टर्न रोटेट करते रहिएगा. ऐसे पैन को बाहर निकाल लीजिए, वो बन जाएगा हमारा सोलेनॉइड. दैट विल बी द सोलेनॉइड. ओके, तो इसको हम बनाते हैं. कैसे बना सकते हैं? हम कहेंगे कि यहाँ पर ये डार्क रखते हैं इधर वाली, ये एक सोलेनॉइड बन गया हमारा, राइट? अब इस सोलेनॉइड का फील्ड कैसा होता होगा? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है विल बी सेम एज अ मैग्नेट्स. जैसे बार मैग्नेट का हमने स्टडी किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न होगा ऑफ सोलेनॉइड सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलेनॉइड सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा? सिमिलर टू बार मैग्नेट. जैसे बार मैग्नेट का हमने पैटर्न बनाया था ऐसे ही होगा. करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से हम लेके चले हैं, ठीक है ना? तो वो पैटर्न हमारा राइट हैंड रूल वाला हम लेके चले हैं ऐसे. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी हम स्टडी करेंगे, भी आएगा आगे आगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं. तो बार मैग्नेट, तो इसका जो पैटर्न होता है किस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं? हमने कहा कि भाई बार मैग्नेट में तो हमने पोल को डिस्कस किया, तो वो पोल को कैसे हम स्टडी करेंगे? तो वही चीज़ थोड़ी सी समझते हैं. आइए, ये एक सोलेनॉइड है, ये करंट हमने यहाँ से दी आए. अब करंट ऐसे जा रही है. अब इसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि सर्कुलर कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से लेते हैं. अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि उसकी डायरेक्शन ये होगी, राइट? अब यहाँ से जो फील्ड बनेगा, यानी कि इस डायरेक्शन ऐसे चलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब वॉट इज दिस पोल? दिस पोल इज द नॉर्थ पोल. हम कहेंगे इसको ये कौन सा पोल हुआ हमारा? नॉर्थ पोल. यहाँ से और लाइन भी आएगी, ये नॉर्थ पोल हुआ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने क्या स्टडी किया कि वो नॉर्थ टू साउथ जाती है. दिस विल बी साउथ पोल.
ये जो फील्ड पैटर्न बना हमारा, लाइक द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ सोलेनोइड सिमिलर टू द बार मैग्नेट। अब इसको हमने कैसे स्टडी किया, हमने कहा कि ये एक ऐसे इस तरीके से मूव कर रहा है। अब अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, हम क्या करते हैं इसकी डायरेक्शन में एक ऐसे बना लेते हैं और ये ऐसे मूव कर रहा है, डायरेक्शन समझते हैं हम लोग इसकी, ठीक है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी डायरेक्शन में हम ये बना लेते हैं और इसको ऐसे मिला लेते हैं, तो दिस वन इज साउथ पोल। क्लॉकवाइज करंट देखिए, करंट कैसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो पोल विल बी साउथ, अगर ये नॉर्थ पोल है हमारा, इसको नॉर्थ पोल कैसे कहेंगे आप, करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। यहां पर देखिएगा क्लॉकवाइज करंट ऐसे घूम रही है करंट, अब क्लॉकवाइज में फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे इनसाइड ऐसे घूम रही है करंट, फील्ड की डायरेक्शन ये, तो ये पोल कौन सा हुआ हमारा, साउथ पोल, ये वाला पोल। अब इसमें दिस विल बी, और इसकी साइड ये रखिए, ये कौन सा पोल बना हमारा, नॉर्थ पोल। दिस विल बी द वे हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉक वाइज करंट है तो नॉर्थ पोल होगा, अगर क्लॉक वाइज करंट है तो साउथ पोल होगा। यू हैव टू अंडरस्टूड इट। जब हम इसको बना रहे थे लास्ट, हमने सर्कुलर कोयल में देखा था, तो ये बताया भी था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कैसे डिसाइड करते हैं, यानी कि अगर फील्ड इनसाइड होगा, मैंने ऐसे घुमाया, फील्ड इनसाइड है, अंदर की साइड है तो साउथ पोल, फील्ड आउटसाइड है तो नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर फील्ड किधर है, आउटसाइड, फील्ड किधर है, आउटसाइड, तो नॉर्थ पोल। यहाँ पर फील्ड कैसे है, इनसाइड, तो साउथ पोल। तो यहाँ से हमें पता लगता है अगर फील्ड इनसाइड है तो साउथ पोल, अगर फील्ड आउटसाइड है तो नॉर्थ पोल होगा, इन दैट केस। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट फ्लोइंग। नंबर टू, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज एन, कैपिटल एन। अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल है कैपिटल एन और एन का, यहाँ पर हम स्मॉल एन लेके चलेंगे, क्योंकि कैपिटल एन क्या होता है हमारा, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम कंसिडर करते हैं, और एन इज इक्वल टू एन एल होता है, ये कोई बात नहीं। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, दो चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पहला। नंबर टू, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो दिस वन इज द सोलेनॉइड, ये हमें सोलेनॉइड के बारे में स्टडी करना था। तो सोलेनॉइड हमें समझ आया क्या है, एक हेलिकल पाथ है, जब उसमें से हम करंट पास कराते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम बार मैग्नेट की तरह होती है, राइट। ऐसा क्यों होती है वो हमें ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, उसके बारे में ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाना है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इंडिविजुअली इसको स्टडी करेंगे कि कैसे होता है ये, तो आपको अभी ये ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्स ऑन ए चार्ज्ड, हाँ एक चीज और है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको आप खुद भी बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप ना एक नेल लीजिए, नेल समझते हो, कील जिसको हम बोलते हैं, दीवार में लगाते हैं, इस टाइप से ये नेल होगी, ठीक है, ये नेल इस टाइप से होगी, ये एक नेल है हमारी, इस नेल के ऊपर आपने ऐसे
ऐसे एक वायर को बाउंड किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे समझेंगे, आपने एक वायर को वाउंड किया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये एक बैटरी है, आप लेना 9 वोल्ट की बैटरी मार्केट में मिल जाएगी आपको। ये एक बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पर कोई स्विच भी लगा सकते हो आप, ऑफ ऑन के लिए स्विच लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये स्विच लगा देता हूँ यहाँ पर एक ऐसे, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। इसमें हमने क्या किया है, एक नील्स को इंसर्ट किया और उसको टाइटली बाउंड किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, लॉन्ग टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ ए मेटालिक वायर, लॉन्ग टाइटली हेलिकल कल वायर वाउंड ऑन मेटालिक रोड, मेटालिक रोड, एक रोड के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, जो मेटालिक रोड है या फिर मेटालिक वायर है, तो जो रोड है हमारी वो सॉफ्ट आयरन कोर होगी। इसको हम क्या लिख देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन कोर, वो क्या कहेंगे हम इसको। अब ये सिस्टम क्या बन गया हमारा, ये हेलिकल पाथ ही है एक वायर का, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम के आया। तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन, फील्ड यहाँ पर आउटसाइड, यहाँ पर आउटसाइड, ऐसे, तो नॉर्थ पोल। तो इसमें फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, लाइक दिस। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये आप घर में खुद भी बना सकते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज होती है, राइट, समझ आ गया स्टूडेंट, दिस वन इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए अब आगे आता है हमारा फोर्स, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो क्या उस पर कोई फोर्स लग सकता है। आंसर है यस, उस पर फोर्स लगता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो फोर्स किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डीपली स्टडी करेंगे हम टॉपिक। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड, या फिर ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑन विच फैक्टर्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स, ऑन विच फैक्टर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स, राइट स्टूडेंट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क टू यू, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेट अराउंड अ करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल के अराउंड, वो पूछेगा कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल, अगर कोई करंट नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो वो किस पोल को रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो वो किस पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क टू यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू लर्न एट होम। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।